जो लोग नए हैं अभी शुरू किया है यूट्यूब पे आए हैं, एक चीज का ध्यान रखना जो मैंने गलती की थी, आप प्लीज मत करना। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, सुबह के बजे अभी 7:30। और भाई कल मम्मी आई है, जब से घर का माहौल देखो कैसा बना हुआ है, सबके सब मम्मी के पास है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग, तबीयत ठीक? बढ़िया। मम्मी तो ठीक हो ही गई है, मम्मी ने आते के साथ ही मुरे को भी ठीक कर दिया भाई। बहुत बुरी स्थिति चल रही थी 4-5 दिनों से, कल मम्मी ने आके पेट कोड मेरे को एकदम दुरुस्त कर दिया। और आज सुबह भी जैसे ही फ्रेश फ्रेश हो गया है, मम्मी को फिर से पेट चेक कराया और टनाटन बोल रहा है। तो अपन भी नहा धो के रेडी होकर निकल रहे हैं मथुरा जंक्शन के लिए, कुछ काम वाम करके आते हैं। और वैसे भी मम्मी बोल रही है दोपहर को जब वापस आना है तो मम्मी के लिए पपीता भी लेके आना। मम्मी को बहुत ज़्यादा कमजोरी है यार, दवाइयों वाली तकलीफ थी वो तो ठीक हो चुकी है, लेकिन जो दवाइयों से कमजोरी आई है ना उसकी जो ठीक करनी है वो भाई काले पीले से होंगे। तो पपीता लेते हुए आएंगे। गाइस वैसे तो मैं बच्चों को कभी भी स्कूल छोड़ने नहीं गया भाई, लेकिन आज 10वीं क्लास में आने के बाद अंजलि थोड़ा सा अपने स्कूल के लिए लेट हो रही थी, उसकी साइकिल हो गई है खराब। तो सुबह की शुरुआत स्टेशन जाने की बजाय पहले अंजलि को स्कूल छोड़ने जाना पड़ रहा है। ये रही हमारी अंजलि। चलिए पहले अंजलि को स्कूल छोड़ते हैं, उसके बाद में मथुरा जंक्शन जाएंगे। स्कूल छोड़ने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, पहली बार है भाई, जब UKG LKG से लेके और 10वीं तक आ गई है तब जाके पहली बार मेरा नंबर आया है कि अंजलि को स्कूल छोड़ने जाना पड़ रहा है। चलिए इसे स्कूल छोड़ते हैं, उसके बाद जंक्शन के लिए निकलेंगे, तब अपना दिन शुरू होगा। हाँ तो गाइस अंजलि को स्कूल छोड़ने के बाद आ गया हूँ अपने मथुरा जंक्शन पे, अब अपने दिन की और अपने काम की शुरुआत होगी। ये माहौल है कुछ यार, अभी तो शांति से लग रही है क्योंकि कोई गाड़ी नहीं है, कोई गाड़ी आएगी मथुरा जंक्शन पे जब काम निकलना शुरू होगा। फिलहाल हमारी मित्र मंडली सारी की सारी भटकने में लगी हुई है, कुछ इधर को भी खड़े हैं। बस कई दिनों बाद पूरी तरह से 100% फिट होने के बाद भाई काम देख रहा हूँ, आज मज़ा आएगा काम करने में। पिछले 4-5 दिनों में बहुत परेशान रहा हूँ गाइस, और छोटी सी तकलीफ थी उसके पीछे डॉक्टरों ने दे दवाई और दे दवाई। मम्मी तो दवाई खा रही थी, मेरी भी हालत ख़राब कर दी। कल मम्मी आ गई थी, कल मम्मी को शाम को भी मैंने पेट को दिखाया था, उससे काफ़ी रात मिल गई, अच्छे से नींद आ गई रात को। फिर सुबह दोबारा से खाली पेट चेक कराया तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। देखते हैं अब कैसा रहेगा, अपनी मित्र मंडली से मिला देते हैं। देखिए कुछ ऐसा माहौल है सर, बस अब काम में लग जाते हैं और बाकी की बात में बात करेंगे। गाड़ी का अनाउंसमेंट हो रहा है, कोई गाड़ी आने वाली है। आज ना सुबह बड़े जोश में ब्लॉग स्टार्ट किया था क्योंकि मम्मी घर आ गई थी, जोश तो अपने आप ही हाई था। लेकिन वही मथुरा जंक्शन पर पहुंचने के बाद लगभग मैं 8 बजे के करीब में मथुरा जंक्शन पर पहुंच गया था और एक रुपए का काम नहीं किया। 12 बजे तक खड़े होके वापस आ गया, खूब कोशिश की, कम से कम 100-200 लोगों से बात की, भाई एक भी सवारी गाड़ी में नहीं बैठी, कोई बात करने को तैयार नहीं था। पता नहीं आज हुआ क्या था, मुझे खुद अब तक समझ में नहीं आ रहा कि आज क्या मजाक हुआ था मेरे साथ में। तो घर पे खाना पीना खा के आराम करने के बाद दोबारा से शाम को जा रहा हूँ भाई, और बंसी वाले से उम्मीद कर रहा हूँ कि जो सुबह हुआ वो शाम को ना हो, शाम को कुछ ना कुछ मिल जाए। यार एक रुपया नहीं कमाया कसम से, मैंने जैसा गया था वैसा का वैसा आ गया, ऊपर से 10-20 रुपये जेब से खर्च हो गए वो अलग, क्योंकि जब निकल जाते हैं ना घर से 10-20 रुपये का पता ही नहीं चलता कहाँ कैसे खर्च हो जाते हैं। शाम को निकल रहे हैं दोबारा से, उम्मीद है कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और भाई मैं तो परेशान हूँ, ऊपर से परेशान करने के लिए कब्बू आ जाती है, कब्बू आ गई है, चले कब्बू चल। गाइस आज का दिन सुबह से भाई ऐसा गया है, कुछ कहना नहीं है, ऊपर से झगड़े और हो रहे हैं हमारे मित्रों में। ये हमारे सलीम भाई नेताजी, कोल्ड ड्रिंक चल रही है, कुछ इधर को खड़े हैं भाई। आज सुबह से बहुत बुरा दिन जा रहा है और सुबह से ही ऐसा माहौल बना हुआ है, इसीलिए मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं किया स्टेशन पे, बार बार जगह जगह झगड़े हो रहे हैं हमारे मित्रों में। गाइस आज का दिन इतने जोश और इतनी ताकत से शुरू किया था भाई, वो कसम खा के बोल रहा हूँ, अब शाम होते होते वो जोश कहाँ गया, कहाँ से निकल गया पता भी नहीं चल रहा, इतना बुरा दिन गया यार। सुबह में दोपहर तक खड़ा रहा था, एक रुपये का काम नहीं किया, फिर शाम को दोबारा से निकल गया आया हूँ। शाम को भी आने के बाद भाई सिर्फ एक चक्कर लगाया जन्मभूमि का, उसके बाद से कुछ भी नहीं हो पाया यार, पता नहीं चला किसकी बदुआ लगी है आज। और ऊपर से हमारे मथुरा जंक्शन पे ड्राइवरों में बार बार झगड़े होने में लगे हुए हैं, तो ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। जैसे ही ब्लॉक शुरू करता हूँ पीछे से कोई ना कोई गाली गलौज करना शुरू कर देता आपस में, तो बड़ी मुसीबत बनी हुई है यार। 7:45 हो चुके हैं, थोड़ी बहुत देर और देख रहा हूँ फिर निकल जाऊँगा घर, क्या करूँगा, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, एक दिन ऐसा भी सही।
क्या देख रहे हो? कुछ बोलूंगा? हाँ भाई बोलूंगा यार, पहले याद तो कर लेने दो। फिर ऐसा होता है कि मैं बाद में वीडियो को चेक करता हूँ, यार ये बात तो बोलना भूल ही गया। फिर बाद में ऐसा होता है वीडियो को जब चेक करता हूँ तो याद आता है कि वो तो बोलना भूल ही गया। फिर पुराना वाला वीडियो डिलीट करना पड़ता है और फिर दूसरा बनाना पड़ता है। हाँ भाई ये सच है, बनाना पड़ता है। हो जाता है यार कभी कभी कि जो बताना चाहते हैं उसे बताना भूल जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है, फिर दोबारा से बनाओ। पहले तो सबसे पहले मेरे चेहरे पर आपको अजीब सा दिख रहा है कुछ आज? ये यार आपने अगर सुबह से वीडियो देखी होगी ना तो चेहरे पर एक छोटी सी फुंसी दिख रही थी। स्टेशन पर आज काम था ले, बैठा बैठा मैं इसी को चेक करने में लग रहा था बार बार क्या हो गया क्या हो गया। तो ऐसे ही बैठे बैठे मैंने थोड़ा सा दबा दिया निकालने के लिए कि जिसमें जो कुछ है निकल जाएगा तो ठीक हो जाएगी। ठीक होने की बजाय गाइस सूज गई है और गड़बड़ हो गई है यार। जब दिन खराब चलते हैं ना ऐसा ही होता है। और भाई आज का मेरा अब तक का जब से गाड़ी खरीदी है तब से लेके अब तक का सबसे बुरा दिन गया है। इतना भयंकर दिन आज तक नहीं बीता। सुबह मैं 8 बजे के करीब मैं गया था और दोपहर को 12 बजे तक खड़ा हो के एक रुपया बिना कमाए घर आ गया। और फिर शाम को गया दोबारा से, जैसे तैसे करके 2 चक्कर लगाए और एक खामा खाम की नौटंकी लग गई। जैसे ही मैं घर निकलने वाला था एक सवारी आके बात करने लगी, सवारी तो नहीं मिली, अंदर से 4-5 पुलिस वाले आ गए कि दिवाली के या पता नहीं क्या चक्कर में चालान काट रहे थे स्टेशन पे, जो कमाए थे वो ले गए भाई। तो आज 1 रुपया कमाए बगैर आ गया हूँ। बहुत बुरा दिन गया आज का यार। और गए सब कुछ बुरा भी नहीं गया है, एक अच्छी खबर भी है। जो पेट से 4-5 दिनों से परेशान था ना, आज पूरा दिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत अच्छा दिन गया है, कमाई के हिसाब से नहीं पेट के हिसाब से भाई। पेट भी जरूरी है, इसकी वजह से काम नहीं कर पा रहा था। हालांकि आज ठीक हो गया तो काम नहीं मिला वो बात अलग है, लेकिन होता है। और मम्मी भी ठीक हैं, घर में माहौल भी अब अच्छा हो गया है पहले के मुकाबले। तो शांति है और शांति चाहिए होती है हर किसी को यार। चाहे जैसी भी ज़िंदगी कटे अगर शांति से कट रही है ना तो आदमी निकाल ले जाता है गाड़ी को अपनी को। कमाई की ऐसा है कि आज कम हुई है कल ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जब घर में शांति ना हो कितना भी पैसा कमा लो कितनी भी मेहनत कर लो कुछ का कोई फ़ायदा नहीं होता। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चाहे शब्द में ठीक से नहीं बोल पाया समझाने के लिए, फिर भी आपको समझ तो आ गया होगा कि कहना क्या चाह रहा हूँ। और भाई कई दिनों से मेरे को लगातार कमेंट आ रहे हैं, काउंटडाउन शुरू हो गया है 1K सब्सक्राइबर्स का, बहुत जल्दी हो जाएंगे। कई लोग तो ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लगभग 2 साल होने को जा रहे हैं मेरे को मेहनत करते करते। जब स्टार्ट किया था मैंने ऐसे ही कर दिया था, कोई जानकारी नहीं कोई कुछ नहीं। तो गाइस देर से ही सही मेहनत रंगने लगी है। आपका प्यार और सपोर्ट एक पहला पड़ाव पार करने के लगभग बहुत करीब ले आया है मेरे को। तो आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिखाना शुरू किया है आखिरकार मुझे। जब शुरुआत की थी भाई बहुत कुछ झेलना पड़ता है, जो भी आदमी ब्लॉक कर रहे हैं आप जैसे हम जैसे जो सक्सेस हो चुके हैं उनके लिए तो बहुत बहुत सब कुछ अच्छा हो ही रहा है। लेकिन जो लोग मेरी तरह भी मेहनत करने में लगे हुए ना, क्या क्या बीतती है यार सबको पता है। जो कमेंट और जो आपके कमेंट्स पे मैं लाइक और हार्ट शेप देता हूँ ना वो वाकई में दिल से निकलता है। एक एक सपोर्ट एक एक कमेंट कितना मायने रखता है आप भी समझते होंगे। 1K सब्सक्राइबर पहली सीढ़ी है जिसको पार करने के बाद कम से कम इतनी संतुष्टि होगी कि इतने दिन मेहनत करने के बाद कहीं तक तो पहुँचा। चाहे अभी मोनेटाइजेशन से दूर हूँ लेकिन फिर भी एक उम्मीद और एक चैनल पे एक टैग मिल जाता है कि 1K सब्सक्राइबर हैं। आदमी कुछ तो मेहनत कर रहा है, कुछ तो है कंटेंट में जो लोग देख रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास शब्द नहीं है कैसे शुक्रिया करूँ आप लोगों का। बस प्यार और सपोर्ट देते रहिए। दिन मेरा बहुत बुरा गया है, ज़्यादा कुछ और है नहीं बोलने के लिए, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा जो लोग नए हैं अभी शुरू किया है यूट्यूब पर आए हैं एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मैंने गलती की थी आप प्लीज़ मत करना। मैंने जब शुरू किया था ना तो अपने दोस्त रिश्तेदार वगैरह जो भी मिलता था उससे चैनल सब्सक्राइब करवा देता था और सोचता था कि वो देखेंगे। और अक्सर मुंह पे लोग बोल भी जाते हैं कि देखेंगे भाई अच्छे लगते हैं तुम्हारे वीडियो, लेकिन बाद में कोई नहीं देखता। और इससे इतना बुरा असर पड़ता है चैनल पे कि मेरे को 2 साल लग गए केवल इसी चक्कर में। अगर मैंने अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से सब्सक्राइब नहीं करवाया होता ना, क्योंकि वो देखते नहीं थे, आपका नोटिफिकेशन किसी के पास जाता और वो देखे ना या थोड़ा सा देख के तुरंत बंद कर दे तो यूट्यूब उसको कचड़े में फेंक देता है। वही मेरे साथ हुआ, इतने दिन नहीं लगते नहीं बनना मेरे को। जो सपोर्ट और प्यार आपको अब मिलने लगा ना, अगर मैं उसी के भरोसे रहता तो शायद कहीं ज़्यादा मेरे वीडियो चल जाते और थोड़ा सा और जल्दी हो जाती। लेकिन जो गलती मैंने की आप मत करना, इसीलिए बता रहा हूँ कि कम से कम जो भी बना रहे हो आप ईमानदारी से बनाइए, चाहे कोई देखे या ना देखे। बस किसी जान पहचान वाले को मत भेजिए कि भाई मेरे वीडियो देख, वरना वो सारी मेहनत आपकी बेकार कर देगा। और बहुत दिल दुखता है कि कोई आप किसी चीज़ से जुड़ते हो ना, मुझे मालूम है मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं
किस हद तक जुड़ा हुआ, मेरे दिल से कितना जुड़ा हुआ है इस यूट्यूब चैनल का। कुछ सोच के ही मेहनत कर रहा हूँ मैं, और उसको सक्सेस होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो हिम्मत हारने लगता है आदमी। मैं भी कई बार मेरे मन में आया यार क्या मेहनत करने में लगा हुआ हूँ, कुछ हो तो मैं पा नहीं रहा है, छोड़ ही देता हूँ। लेकिन मेरे को धीरे धीरे कई ऐसे सब्सक्राइबर मिले जो मेरी हिम्मत बढ़ाते रहे टाइम टाइम पर, तो उन लोगों का खास तौर से बहुत बहुत धन्यवाद। कई भाई हैं मेरे पास ऐसे जो लगातार जब भी मेरी हिम्मत टूटने लगती है ना, तो उनके कमेंट मेरे हौसले को बहुत ऊपर तक ले जाते हैं, तो उन्हीं के सहारे मैं आज तक लगा रहा हूँ। बस ऐसे ही साथ में बने रहिए, सफ़र एक दिन कहीं ना कहीं तो ज़रूर जाएगा। कोशिश करने में मैं भी लगा हुआ हूँ, और आपका जो प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। आज के इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, हालांकि ये वीडियो बनाने की भी इच्छा नहीं हो रही है मेरी, लेकिन फिर भी भाई ब्लॉग तो एंड करना है, यही ज़िंदगी है। अच्छा बुरा समय आता जाता रहता है, बस बढ़ते रहिए, चलते रहिए, एक ना एक दिन आप मंजिल तक पहुँचते हो, मुझे भी यही उम्मीद है। तो चलिए गाइस आज के इस ब्लॉग को कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। आपको छपकली दिख रही है मेरे पीछे जाती हुई, बहुत है मेरे घर में। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।